justice. हमारे मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तो सबसे पहले मैं ऑल मीडिया फैटर्निटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे चला है। तो सर आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद यही रहेगा सर, 2019 में एक रिक्वायरमेंट हुआ था जो कोविड के चलते इसका फिज़िकल हुआ था 2021 में, उसके बाद सर जो रिटर्न एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं हो रहा है इसका, तो सर उसके बाद कुछ इश्यूज़ रहे थे, हम समझ सकते हैं वो इश्यूज़। उसके बाद जो हम जम्मू कश्मीर से अलग हुए थे, फिर हमें यूटी लद्दाख का दर्जा दिया गया था, तो उसके बाद हम हमारे पहले वाले LG RK माथुर सर के पास भी गए, IDGP के पास भी गए और MP के पास भी गए। सर उसके बाद उन लोगों ने हमें एश्योरेंस दिया कि जो ही वहाँ से पोस्ट रिफ़र होते हैं आपका सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट वो डिक्लेयर करेंगे। सर उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है जुलाई के मंथ पे कि आपके पोस्ट जो हैं वो रिफ़र हुए हैं। सर उसके बाद काफ़ी खामोशी देखने को मिलता है, फिर नवंबर के मंथ पे एक फिर से नोटिफिकेशन निकलता है कि वहाँ से पोस्ट रिफ़र हुए हैं। बल्कि देखा जाए सर आज जो लद्दाख पुलिस का भर्ती हुआ सर, आज उनका इतना शॉर्ट टाइम पीरियड पर जब उनका एग्ज़ाम हो रहा है, उनका फिज़िकल हो रहा है, उनमें बल्कि 9000 कैंडिडेट पार्टिसिपेंट थे सर। तो देखा जाए अकॉर्डिंग टू बॉर्डर बटालियन में सर 1500 कैंडिडेट्स ओनली हैं सर, जब उनके इंदा शॉर्ट टाइम पे फिजिकल और रिटर्न हो रहे हैं तो हमारे क्यों नहीं हो रहे सर। हमारे यही मांग है सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे LG लद्दाख से और हमारे IDGP लद्दाख से और MP लद्दाख से कि जिंदा से जिंदा हो सके हमारा जो रिटर्न है जल्दी किया जाए। और सर हमारे यही मांग रहेगा सर, जो ही आज जो लद्दाख पुलिस का रिटर्न ख़त्म हुआ सर, चंद दिनों में हमें भी हमारा नोटिफिकेशन निकाला जाए और इन्हीं लद्दाख पुलिस के साथ इनका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। सर इसमें और एक नुकसान लॉस भी है, क्योंकि अगर कि बॉर्डर बटालियन की तरफ से कैंडिडेट्स लद्दाख पुलिस में क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो पोस्ट नुकसान हो रहा है सर। हमारे और लद्दाख पुलिस के कैंडिडेट्स का भी यही कहना है कि जिंदा से जिंदा हो सके बॉर्डर बटालियन का अलग से ही रिटर्न लिया जाए। और एक बात सर इसमें हम आपकी नोटिस में लाना चाहते हैं सर, इसमें जो फिज़िकल हुआ था सर वो अलग ही था सर, क्योंकि टफ फिज़िकल था, उसका टाइमिंग जो था वो बहुत कम ही था सर, 6:30 का, और अकॉर्डिंग टू देखा जाए लद्दाख पुलिस का उसका टाइमिंग था सर 7:30। उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सर हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर। और वहीं से भी 5 सालों से हम इंतज़ार कर रहे हैं सर, 2019 का रिक्वायरमेंट है सर, आज देखा जाए तो 5 साल होने को आ रहे हैं सर। और वहीं से भी देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस बहुत है सर, हम फिर से वहीं रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर जिंदा से जिंदा हो सके रिटर्न किया जाए। रात का हम शुक्रगुजार हैं कि शॉर्ट टाइम पे आप लोग हमारे बुलाने पे यहाँ आए और हमारा जो एक कवरेज लिया उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं सर। जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि 2019 में बॉर्डर बटालियन का जो रिक्वायरमेंट खड़ा किया था, जो भर्ती हुआ था, उसमें हम करगिल के 90+ कैंडिडेट्स हैं और लेके कुछ लोग हैं। तो सर हमारी यही डिमांड है कि आप लोगों से जो बॉर्डर बटालियन है उसमें ज़्यादातर देखा जाए तो हमारे बड़े भाई लोग हैं, जैसे जिनका एज ओवर हो चुका है, तो वो लोग भी एक उम्मीद में बैठे हैं कि इस रिक्वायरमेंट को अगर पेपर किया जाए और हमें यहाँ पे सेलेक्ट किया जाए तो उनका एज भी ख़त्म हो गया है, दूसरे पोस्ट के लिए वो अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये है सर कि हमने एक बार जम्मू में BD मिश्रा साहब से मीटिंग में बात करके ये बताया था, तो उसने हमें श्योरिटी दी थी कि हम आपका पेपर ले लेंगे सर। साथ ही साथ जैसे लद्दाख पुलिस का पेपर लिया, जिस तरह लद्दाख पुलिस के सिलेबस के साथ इन्होंने बॉर्डर बटालियन का भी सिलेबस निकाला, तो हम अपनी जगह में बहुत खुश हुए थे कि अब हमारा पेपर होगा बोल के। और जम्मू एंड कश्मीर ने जो है 432 पोस्ट बॉर्डर के जो हैं लद्दाख को यूटी होने के बाद दे दिया है, MP साहब को भी पता है, और हमने हर किसी से यही रिक्वेस्ट किया और हर किसी के पास गए हैं। तो लिहाजा हमारे यही मैसेज है मीडिया के थ्रू कि जितनी जल्दी हो सके हमारा रिटर्न जल्दी लिया जाए। थैंक यू। जो हमारा जो इशू है बॉर्डर बटालियन का, ये इशू फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करगिल में फ़र्स्ट टाइम हुआ था, यूटी लद्दाख में फ़र्स्ट टाइम हुआ था। तो जो ये रिकमेंड हुआ था तो ये मतलब फ़र्स्ट टाइम जो डिज़र्व जो विलेज थे उनको दिया गया था, तो लेकिन इसका रिकमेंड इतना लेट हो रहा है, मतलब अब ये लेट नहीं होना चाहिए, अब जल्द से जल्द ये होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जैसे हम यहाँ बॉर्डर एरिया में बैठते हैं उन लोगों को ये डिज़र्व करता है, तो ये रिक्वायरमेंट होना भी चाहिए। और जिस हिसाब से हमें DSP नुबरू साहब ने रिसेंटली एक हमें वीडियो में इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में बता दिया था कि हमारा पेपर होने वाला है, लेकिन वो एश्योरेंस हमें दे दिया है, लेकिन एक नोटिफिकेशन हमें जारी किया जाता है, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। और इंशाल्लाह जितने भी पार्टिसिपेंट थे जो जो यहाँ पे फिज़िकली जिन्होंने सेलेक्ट जो हुए हैं
वो उम्मीद है कि कब हमारा नोटिफिकेशन निकले उसी हिसाब से प्रिपरेशन होगी। तो उस हिसाब से हमें जो जो प्रोसीजर जो अभी यहाँ पे लद्दाख पुलिस का जो प्रोसीजर चला है वो उसमें भी चलेगा इंशाल्लाह, लेकिन हमें जल्द से जल्द कुछ नोटिफिकेशन निकलना चाहिए। तो इसमें हम एक और एक बात आपके नोटिस में लाना चाहते हैं सर, क्योंकि नूरबू साहब जो लद्दाख पुलिस बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवंबर और हो सके तो फेब और मार्च के महीने में आपका रिटर्न कंडक्ट करेंगे सर। और एक चीज़ देखा जाए कि फिर उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन भी है सर, कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा सर, तो फिर से डिले हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि फिर से डिले हो जाए, वैसे भी हम अभी तक 5 साल अभी तक डिले हुआ है सर, बहुत डिले हुआ सर। और अकॉर्डिंग टू देखा जाए लद्दाख पुलिस का सर अभी तक दो रिक्वायरमेंट हो चुका है सर, एक का तो अभी ज्वाइनिंग भी हो गया सर, दूसरे का आज हमें रिटर्न भी देखने को मिला है सर। फिर हम से एक बार फिर से तहे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं सर, हमें उम्मीद भी है सर जितना से जितना हो सके हमारा ये मसला हल होगा सर, और हमारा जल्दी जो रिटर्न का मसला है वो भी कंडक्ट होगा, और इंशाल्लाह हमें हमारे रिजल्ट भी जल्दी डिक्लेयर किया जाएंगे हम। और एक सर यही उम्मीद करते हैं सर कि जिंदा से जिंदा हो सके जो अभी लद्दाख पुलिस का रिटर्न हुआ है उन्हीं के साथ हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। We want justice. हमारी मांगे पूरी करो। जिरबाना जुम से दी चैनल पॉल तखन फीसद अर्दुन चुन अर्दुने सब्सक्राइब मबायो 300।